इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार ये खबर चल रही थी कि आखिर बीजेपी किसे अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, इसको लेकर कई नामों की चर्चा थी, लेकिन उन तमाम कयासों पर विराम लग गया है और अब सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। हालांकि इसमें बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। आपको याद होगा जब अमित शाह बिहार आए थे उस वक्त कैसे नित्यानंद राय को साइड होने को कहा था और सम्राट चौधरी को रैली के मंच पर अमित शाह ने बुलाया था और नित्यानंद राय जो है वो माला पकड़ के खड़े थे। वही साफ हो गया था कि अब बिहार में बीजेपी का एक बड़ा फेस, यानी अगर हम सीएम का फेस कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी ये बात बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इस वक्त बिहार की सियासत में कुशवाहा राजनीति जो है वो अपने चरम पर है। अब ये साफ हो गया है कि अगर आरजेडी को टक्कर वही पार्टी देगी जो कुशवाहा नेता को एक बड़ी भूमिका देगी, यानी अपना सीएम का फेस बनाएगी। बीजेपी पहले नित्यानंद राय को आगे करके यादव वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती थी, लेकिन नित्यानंद राय यादवों का फेवरेट नहीं हो पाए और यादव समाज जो है वो लालू यादव तेजस्वी यादव से इतर, यानी उससे अलग सोच ही नहीं सकता। तो इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, चाहे वो रैली की बात हो या फिर जब दीप प्रज्वलित किया जा रहा था उस वक्त भी अमित शाह ने बाकायदा सम्राट चौधरी को अपने पास बुलाया था और उनसे दीप जलवाया था। उस वक्त ही ये मैसेज चला गया था कि बीजेपी सम्राट चौधरी को एक बड़ी भूमिका दे सकती है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए सम्राट चौधरी के नाम की ज्यादा चर्चा इसलिए भी नहीं हो पाई थी क्योंकि लग रहा था कि वो विधान परिषद में सदन नेता तो है ही, तो फिर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद देने का मतलब साफ है। दो बड़ी जिम्मेदारी है, एक तरफ वो बकायदा विधान परिषद में सदन के नेता हैं तो दूसरी तरफ अब उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। यानी कुशवाहा समाज को यह साफ मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस वक्त कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा नेता सम्राट चौधरी है और इस फैसले का एक बड़ा असर पड़ने वाला है। आपको पता होगा उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिन पहले जो है विरासत बचाओ यात्रा पर निकले हुए थे और उस वक्त बड़ी संख्या में कुशवाहा नेता टूट करके जेडीयू से वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जा रहे थे, लेकिन अब पासा पलट जाएगा। कुशवाहा समाज के नेताओं में साफ मैसेज जाएगा कि हमारे समाज का सबसे बड़ा नेता अब सम्राट चौधरी है और इस बात में अब कोई देर नहीं, आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि कैसे कुशवाहा समाज का एक के बाद एक बड़ा नेता अब बीजेपी में शामिल होना चाहेगा, क्योंकि अगर वो आरजेडी में नहीं जाना चाहता है तो वो किसी और पार्टी में जाने के बजाय वो बकायदा बीजेपी में जाना चाहेगा और बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसे आप मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। ये बहुत जल्द फैसला लिया गया और सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। ये खबरें लगातार देखा जा रहा था खबरों में कि सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रमोट कर रही है और राजनीति में संकेत जो होता है वो काफी कुछ कहता है। मीडिया में वो खबरें चली थी जब अमित शाह ने इशारों में नित्यानंद राय को हटने के लिए कहा था आगे से और वहां पर बकायदा सम्राट चौधरी को बुलाया गया था। जब दीप प्रज्वलित किया गया उस वक्त भी सम्राट चौधरी को अमित शाह ने इशारों में बुलाया और उनसे दीप जलवाया था। उसी वक्त ये साफ हो गया था कि सम्राट चौधरी को एक बड़ी भूमिका मिल सकती है, लेकिन शायद ही लोगों ने सोचा होगा कि सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया जाएगा। तो इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। आप देखते रहे भारत लाइव, आप देखते रहे भारत लाइव। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? सम्राट चौधरी का को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना क्या वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक है? आप क्या कुछ सोचते हैं हमें फेसबुक कमेंट में जरूर बताइएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं वहां पे कमेंट करिए, साथ ही साथ अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।